है मुफ्त राशन पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दिसंबर से दोगुना राशन देगी यूपी सरकार। अब तक यूनिट पर 5 की बजाय 10 किलो मिलेगा राशन। साथ ही राशन के साथ यहां तेल नमक दालें भी मुफ्त दी जाएंगी। मार्च तक मुफ्त राशन देगी यूपी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लोगों के लिए। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर में दोगुना यानी कि डबल राशन मिलेगा लोगों को। अब तक एक यूनिट पर जहां 5 किलो राशन मिलता था, अब 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन मिलने जा रहा है। दिसंबर में ये फैसला लिया है यूपी सरकार ने। राशन के साथ साथ सिर्फ आपको गेहूं चावल या चीनी नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ आपको तेल नमक दालें भी मुफ्त देगी यूपी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मार्च तक मुफ्त राशन देने का हदफ लिया गया है यूपी सरकार की जानिब से। और हमारे नुमाइंदे अहमद हुसैन हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अहमद, यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है, मार्च तक राशन देने की बात कही गई है, लेकिन दिसंबर में दोगुना राशन दिया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ पर गेहूं चावल और चीनी दी जाएगी, बल्कि इसके साथ यहाँ जो दीगर चीजें दी जा रही है उसमें तेल भी होगा, नमक होगा, दालें भी मुफ्त दी जाएंगी। किस तरह की पूरी स्ट्रैटेजी है ये? बिल्कुल बिल्कुल शबनम, देखिए जब से कोरोना काल आया तो सरकार ने लगातार लोगों की मदद करने की खातिर राशन वितरण शुरू किया था, और अभी दिवाली में एक बार फिर से इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए इसका टाइम बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो जो मात्रा थी खासतौर से राशन की, क्योंकि एक यूनिट पर अब तक गरीब परिवारों को 5 किलो राशन मिला करता था, लेकिन अब 10 किलो राशन मिलेगा, और इसके साथ साथ कई चीजें उसमें बढ़ा भी दी गई हैं, जिसमें आयोडीन नमक है और दालें हैं, कई तरीके की चीजें हैं जो बढ़ा दी गई हैं। तो इससे माना जा रहा है कि जो गरीब तबका है, जो राशन लेता है राशन की दुकानों से और अपनी किसी तरह दिनचर्या को पूरा करता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा जरूर हासिल होगा। और जो 5 किलो उसको जो एक यूनिट पर पिछले टाइम में राशन मिला करता था, वो अब बढ़कर 10 किलो राशन हो जाएगा। हालांकि अभी ये जो स्कीम है ये दिसंबर से बताई जा रही है कि अधिकारियों के मुताबिक के दिसंबर से ये स्कीम नाफिज होगी, और जो आगे के जो बाकी मार्च तक इसके अभी चलने की उम्मीद बताई जा रही है। और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के जो गरीबी तबका लोग हैं, जो उस कार्ड के जो पात्र हैं, जो हकदार हैं, ऐसे लोगों को इस स्कीम का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और बताया जा रहा है तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम का सीधा सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर चपना माना जा रहा है कि आने वाले जो वक्त में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राशन का जो बढ़ाया गया है, तो इसमें गरीबी तबके को खासतौर से बड़ा फायदा हासिल होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत ये तमाम चीजें शामिल